और एक बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी की तरफ से जुटावा किया गया था संसद के पटल पर कि राफेल डील मामले में गोपनीयता के सवाल पर फ्रांस सरकार को इनकार करने दीजिए। ये राहुल गांधी की तरफ से दरअसल ये सवाल उठाया गया था कि उनकी बात हुई थी फ्रांस के राष्ट्रपति से और उसको लेकर फ्रांस सरकार की प्रतिक्रिया आई है और राहुल गांधी की तरफ से अब ये कहा गया है कि उनको इनकार करने दीजिए। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये तो एक तरीके से बहुत जबरदस्त किरकिरी है अगर फ्रांस सरकार कह रही है कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, कुछ बातचीत ही नहीं है फ्रांस के राष्ट्रपति से राहुल गांधी की। जी अमन, जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने संसद के पटल पर बोला है और वहां पर जो बोला जाता है एक रिकॉर्ड होता है, उसे डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी बार बार कह रही थी कि इसके सबूत दीजिए, और जब सबूत कुछ नहीं था राहुल गांधी के पास तो बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस भी दिया। बावजूद इसके राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम है। उनसे जब पूछा गया कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने डिनाई किया है आपके एलिगेशन को, उन्होंने कहा कि लेट देम डिनाई, उनको इंकार करने दीजिए। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ जब बैठक हो रही थी, मैं था, आनंद शर्मा थे और एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी थे, यानी वो अपने बात पर अभी भी कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति से मैं मिला था, लेकिन फ्रांस सरकार कह रही है कि मिले ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई इस तरह की, ये पूरी तरह से नकार दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि लेट देम डिनाई, मना करने दीजिए, मैं, आनंद शर्मा, मनमोहन सिंह, हम लोग मिले थे मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति से, जिससे मिले वो कह रहे हैं नहीं मिले, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं मिला था।